हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड रोल, जो कि काफ़ी इजी है बनाना, जिसे आप झटपट रेडी कर सकते हैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए या इवनिंग स्नैक्स के लिए। इसे बनाने के लिए हम दो आलू लेंगे, बॉयल आलू। इसे अच्छी तरीके से कद्दूकस करेंगे कुछ इस तरीके से। इसे आप सिंपली मैश भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कद्दूकस इसीलिए कर रही हूँ ताकि मोटे मोटे आलू इसमें ना रहे और ये अच्छी तरीके से बारीक हो जाए एक बराबर। आलू कद्दूकस हो चुका है, अब हम इसे हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे सभी मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटे हुए प्याज। अब हम इसमें ऐड करेंगे काले मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथों की सहायता से। अब ये मसाला रेडी हो चुका है, अब हम ब्रेड रेडी करते हैं। एक प्लेट या किसी खुले बर्तन में हम ज़रा सा पानी लेंगे। अब हमने ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लिए हैं, अब हम इस पानी में ब्रेड को डिप करेंगे और एक्सेस वाटर को स्क्वीज करके निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम इसमें आलू के मसाला कुछ इस तरीके से गोल करके, राउंड करके, आप जिस शेप का भी देना चाहे दे सकते हैं। मसाला बीच में रखें, हम इसे राउंड शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। हम कवर करके इसे हाथों की सहायता से इसे सर्कल घुमा के हम इसे राउंड शेप देंगे कुछ इस तरीके से। मेक श्योर आप ब्रेड को ज़्यादा गीला ना करें और इसका एक्सेस वाटर अच्छी तरीके से निकाल लें, ताकि ये बीच में से टूटे ना जब हम इसमें आलू की फिलिंग डालेंगे तब। देखिए, अब ये रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को रेडी कर लेंगे। एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया है, अब हम इसमें ब्रेड रोल डालेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे धीमी आंच पे, दोनों साइड से धीमी आंच पे पकाएंगे, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे और कुरकुरे बने। अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो रेडी है हमारा ब्रेड रोल। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।